वो एक घना जंगल था। वहाँ पर कई बरसों से चीचू कौवा, लूसी कबूतर और टोनी गौरैया साथ में रहा करते थे। टोनी गौरैया की एक ही तकलीफ थी, उसके बच्चे नहीं थे। वो अपने बच्चे के अभाव में बहुत रोया करती थी। लूसी कबूतर और चीचू कौवा उसे सांत्वना दिया करते। एक दिन छोटू तोता उनके पास आया। दोस्तों, कल मेरा घर प्रवेश है, तुम दोनों मेरे घर पर जरूर आना। ऐसे कौवा और कबूतर को आमंत्रण देती है, पर वहीं पर खड़े टोनी को वो नहीं बुलाती। क्या हुआ छोटू तोता, तूने टोनी को नहीं बुलाया? वो यहीं तो खड़ी है, उसे भूल गई है क्या? तुमने क्या सोचा है, मुझे दिखाई नहीं देता या मुझ में अकल नहीं? ग्रह प्रवेश जैसे शुभ कार्य में बिना बच्चों वाली इस बांझ को मैं कैसे बुलाऊं? अभी अभी तो मेरी शादी भी हुई है, अभी हमने हमारा घर बनाया है। अगर मैं इसे बुलाऊंगी तो ना जाने क्या होगा, कहीं मैं भी बांझ बन गई तो? मैं ऐसा क्यों करूंगी, कोई जानबूझ के भले अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारता है। ऐसे मुंह फट कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तुम दोनों को भी आना हो तो आओ, वरना नहीं, अगर उसका साथ चाहते हो तो ऐसे ही सही। उसकी कटु बातें सुन टोनी रोने लगी। मुझे कैसी कटु बातें सुननी पड़ रही है, मुझे कितना अपमानित होना पड़ रहा है। भगवान मुझे बच्चे क्यों नहीं देते, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? जितना मुझे पता है मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, सबका भला ही चाहा है। घोंसले पर पहुंचकर पति को सारी बात बताकर दुखी हो रही थी। तुम चिंता मत करो, जिंदगी में ऐसी चीजें होती रहती है, भगवान हमारा भला जरूर करेगा, तुम दुखी मत हो, ठीक है ना? यूं उसे धीरज देने लगता है। उसके अगले दिन पता चला कि चीचू कौवा मरने की हालत में थी। ये बात जैसे ही गौरैया को पता चली, वो अपने पति के साथ उसके पास चली गई। लूसी कबूतर रोते हुए बोली, क्या हुआ दोस्त, ऐसे अचानक तुम्हारी सेहत क्यों बिगड़ी, मुझे बहुत डर लग रहा है। यूं रोते हुए बहुत दुखी हो रही थी। कल तक तो तुम्हारी सेहत बिल्कुल ठीक थी, आज अचानक क्या हुआ? दोस्तों, मैं नहीं जानती मुझे क्या हुआ है, पर मैं अब यहाँ से दूर जा रही हूँ। मेरे बच्चे लावारिस नहीं होने चाहिए। टोनी, क्या तुम मेरे बच्चों को अपना लोगी? अगर लोगी तो मुझे वादा करो। तुम्हें कुछ नहीं होगा दोस्त, तुम हमेशा की तरह स्वस्थ होकर घूमने लगोगी। फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए कह रही हूँ, मैं तुम्हारे बच्चों का अच्छे से ख्याल रखूंगी, मैं उन्हें बहुत प्यार दूंगी। उसकी बातें सुन कौवा संतुष्ट हुई। ये सुनना काफी था मेरे लिए, अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर कौवे ने आखिरी सांस ली। उसके चल बसते ही वहाँ खड़े सभी रोने लगे। अचानक हुए इस घटना से वे सभी बहुत स्तब्ध रह गए थे। उसके बाद कौवे को दफनाया गया। टोनी गौरैया ने कौवे के दोनों बच्चों को अपना लिया। उनका वो बहुत अच्छे से ख्याल रखती और माँ की कमी को पूरा कर रही थी। कबूतर भी कभी कभार वहाँ पर आकर उनकी हालचाल पूछती और अपने मरी हुई दोस्त को याद किया करती थी। एक दिन छोटू तोता वहाँ पर आई। मैंने चीचू कौवे के बारे में सुना, बहुत बुरा लगा। वैसे भी क्या कर सकते हैं, पनौती आसपास रहने लगी तो ऐसे बुरे हालात तो होते ही हैं। इसलिए हमारी सावधानी हमें बरतनी होगी। कबूतर दोस्त, मैं तुम्हें भी बता रही हूँ। कबूतर ने गुस्से से कहा, आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो और कैसी बातें कर रही हो? ये गौरैया का घर है, उसी के घर पर आकर उसे अनाप शनाप बोल रही हो? अच्छा होगा तुम यहाँ से चली जाओ, हम वैसे ही यहाँ बहुत तकलीफ में हैं। तुम ऐसी बातों से और तकलीफ दे रही हो। मेरी बातें तुम्हारी समझ में नहीं आ रही तो मैं क्या करूँ? देख लेना, एक दिन तुम्हारे बच्चे भी लावारिस होंगे। वैसे भी मुझे क्या करना है? उसकी बातें सुन गौरैया ने कहा, वो ऐसी बातें क्यों करती है, मेरे समझ में नहीं आता। अगर भगवान ने मुझे संतान नहीं दी तो इसमें मेरी क्या गलती है? अब वैसे भी भगवान ने मुझ पे कृपा बरसाई, मेरे बच्चे हैं, ये कवे के नहीं मेरे खुद के बच्चे हैं। यूं कहते हुए वो बहुत दुखी हो रही थी। दोस्त, तुम इतनी दुखी क्यों हो रही हो? तोते को किसी न किसी दिन तुम्हारी अच्छाई का पता चलेगा, तुम चुप हो जाओ। यूं उसे धीरज देकर कबूतर वहाँ से चली जाती है। कौवे के बच्चे बड़े हुए और आसमान में उड़ रहे थे। माँ ना होते हुए भी माँ जैसा प्यार करने वाली उस गौरैया के दोनों कौवे उसका बहुत आभार मानते थे। ऐसे में एक दिन टोनी गौरैया ने अंडा दिया।
जिसे देखकर टोनी, लूसी कबूतर और छोटे दोनों कौवे बहुत खुश हुए। आखिरकार भगवान ने तुम्हारी सुन ली गौरैया, भगवान ने तुम्हें बच्चा दे दिया। जिस दिन तुम्हारा बच्चा अंडे से बाहर निकलेगा उस दिन तुम्हें कटु बातें सुनाने वाले पंछियों को बता देना। उसकी बातों से खुश होकर गौरैया ने भी हामी भरी। गौरैया का बच्चा बाहर निकला जिसे देखकर वे सभी बहुत खुश हुए। वो अपने बच्चे को लिए सीधे तोता के पास पहुंची। दोस्त ये देखो मेरा बच्चा, अब मैं बांझ नहीं, भगवान ने मुझे संतान दी है, यूं हर्षित होकर कहने लगी। तोता बड़ी नीरस होकर बोली, दोस्त मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें बहुत कुछ सुनाया है, अब मैं इस दुनिया से जा रही हूँ, इसीलिए तुमसे क्षमा मांग रही हूँ। क्या तुम मेरे बच्चों को भी अपना लोगी, वरना वो अकेले हो जाएंगे। क्या हुआ दोस्त, आखिर बात क्या है, तुम इतने दुखी क्यों हो? तोते ने अपने घाव दिखाते हुए कहा। एक चील यहाँ पर आई थी मेरे बच्चों पर हमला करने, मैंने बहुत देर तक उसे रोकने की कोशिश की और उसे यहाँ से भगा दिया। मुझे डर है कि वो फिर से वापस न आ जाए, मेरे बच्चों की रक्षा करो। मैं वैसे भी जा रही हूँ, मेरे बच्चों की तुम ही माँ बनोगी, पिछली बुरी बातें भूल कर उन्हें अपना लो, तुम उनका ध्यान रखोगी ना? यूं कहते कहते उसने अपना दम तोड़ दिया। दोस्त ये सब क्या हुआ, ये अनर्थ हो गया। यूं वो बहुत दुखी होकर तोते के बच्चे को अपने साथ ले गई। वहां खड़ी अपनी दोस्त और अपने बच्चों को उसने सारी बात बताई। देखो दोस्त, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, बिना बच्चों वाली तुम अब माँ बन गई, अन्य पंछियों की भी तुम माँ बन गई हो। भगवान भला इससे ज्यादा कृपा किस पे बरसाएंगे, तुम बहुत किस्मत वाली हो, धीरज रखो। इस तरह लूसी ने धीरज दिया। अब गौरैया उन सभी बच्चों की माँ बनकर उनकी देखभाल करने लगी। वो एक घना जंगल था, वहां पर लूसी कबूतर, चीचू कौवा, टोनी गौरैया और छोटू तोता रहा करते थे। उस बरस गर्मी ज्यादा पड़ी थी, सारे पंछियां तिलमिला रहे थे। टोनी गौरैया ने कहा, क्या हुआ होगा, इस बार इतनी गर्मी क्यों पड़ी होगी, कहीं पानी भी ठीक से नहीं मिल रहा, मेरे तीनों बच्चे रह नहीं पा रहे, हर रोज इस धूप से बचने के लिए अपने पंखों से हवा देती हुई मैं थक गई हूँ, उनके भी पंख आए होते तो अच्छा था। इस तरह अपने दोस्तों से वो कह रही थी। हाँ दोस्त, इस बरस धूप कुछ ज्यादा ही पड़ी है, यूं वो सभी दुखी हो रहे थे। इतने में अचानक जंगल में धुआंधार आग लग गई और वो धीरे धीरे जंगल में अपने पैर पसार रही थी। उस आग को देख सारे पंछियां घबरा गए। लूसी कबूतर, चीचू कौवा और छोटू तोता हवा में उड़ने लगे। दोस्तों कृपा कर मेरी मदद करो, इस तरह दोस्तों से वो मदद मांगने लगी, पर वे तीनों उसके पास नहीं आ पा रहे थे, बहुत घबराए से थे। टोनी गौरैया का एक नन्हा सा बच्चा, माँ अब हमारे लिए यहाँ मत रुको माँ, आग फैल रही है, आप यहाँ से चले जाओ माँ, जल्दी करो माँ, यूं वो रोते हुए दुखी हो रही थी। तब टोनी गौरैया ने कहा, मैं तुम्हें बचा तो नहीं सकती, लेकिन जिंदा रहेंगे या मरेंगे तो साथ में, हे भगवान अगर आप चाहते हो कि इस धरती पर हम और जिए तो हम पर कृपा बरसा दो, और नहीं तो इसी आग में जलाकर खाक कर दो। ये कहकर अपने पंखों के नीचे अपने बच्चों को छुपाकर वो दुखी हो रही थी। बच्चे भी दुख से रो रहे थे। बच्चों के कई बार कहने पर भी माँ उन्हें छोड़कर कहीं नहीं गई। उसकी ऐसी हालत देखकर दोस्तों ने कहा, हम बुजदिलों की तरह वहाँ से उड़कर चले आए, जीना है या मरना ये बाद में देख लेंगे, हमें अपने दोस्त के लिए एक कोशिश तो करनी चाहिए, चलो जल्दी करते हैं। कवे के ये कहने पर लूसी और छोटू भी मान गए। फिर वो तीनों उस घोंसले के पास गए और हिम्मत कर एक एक बच्चे को वहाँ से बाहर निकाला। फिर वहाँ से उड़ते हुए वे तीनों किसी और जगह निकल पड़े। टोनी गौरैया ने खुश होते हुए कहा, दोस्तों आप तीनों ने वापस आकर मेरे बच्चों की जान बचाई, आपका बहुत आभार, जो भी हो भगवान की कृपा से किसी को कोई हानि नहीं हुई। पर दोस्त अपने बच्चों के लिए जान त्यागने वाली तुम्हारी ये बात
हमारे हृदय को पिघला गया, इसीलिए हमने हमारी जान जोखिम में डालकर तुम्हें बचाना चाहा। वैसे भी हम में से किसी को कुछ नहीं हुआ, इसकी खुशी है। ये कहकर वो खुश हो रही थी। बाकी सभी भी इस बात से सहमत थे। टोनी ने सबको धन्यवाद कहा। बुरे समय में सभी को एक दूसरे का साथ देना चाहिए, ऐसे कौवे ने कहा। इस बात पर सभी ने अपनी अपनी हामी भरी। यूं ही दिन बीत गए। वे सभी वहीं पर अपने अपने घोंसले बनाकर रहने लगे। उनमें से किसी को भी कभी सहायता की जरूरत होती तो सभी इकट्ठे हो जाते। यूं ही दिन बीत रहे थे। कुछ दिनों बाद टोनी गोरैया के बच्चों के पंख निकल आए। वे दोनों हवा में खुशी से उड़ने लगे। टोनी उन्हें देखकर मन ही मन खुश हो रही थी। तभी उसके साथी दोस्त वहां पर आए। वे भी बच्चों को उड़ता हुआ देख खुश हो रहे थे। पर तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए। हर तरफ अंधेरा सा छा गया था। बरसात होने की जैसे सूचना मिल गई थी। तेज बिजली कड़कने लगी। सारे पंछियां घबरा गए। अचानक उस पेड़ पर बड़ी सी बिजली गिर पड़ी। एक पल में पेड़ भस्म हो गया। सारे पंछियां जलकर खाक हो गए। आसमान में उड़ रहे केवल वो दो पंछी ही बच गए। इस दृश्य को देखकर दोनों ने रोते हुए कहा, हे भगवान, ये आपने क्या कर दिया। हमें मुसीबत में इन सब ने बचाया था, लेकिन हम इन्हें नहीं बचा पाए। यूं दुखी होकर रोते हुए उस पूरे इलाके में आग लगने की वजह से वहां से निकलकर किसी और जगह चले गए। उन दोनों ने अपनी जिंदगी नए तरीके से शुरू की। अपनी माँ और माँ समान प्यार करने वाली लूसी कबूतर, छोटू तोता और चीचू कौवे को याद कर दुखी हो रहे थे। जीवन में कब किस समय क्या हो जाए ये किसी को नहीं पता। उन दोनों ने इसी सोच को अपनाकर सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़कर अपनी अपनी जिंदगी जीने लगे।